आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ एग्जांपल्स। तो मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप रिकॉर्डिंग शुरू कर ले, और मैंने भी रिकॉर्डिंग कर लिया है। ओके, तो चलिए हम डेवलपर में चलते हैं, विजुअल बेसिक में, और यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं नया मॉड्यूल्स, क्योंकि हम कोड मॉड्यूल्स में ही करते हैं, जैसे कि हमने आपको अभी तक की क्लास में समझाया है। फिर माइक्रो देते हैं, अब प्रोजेक्ट क्या करना है समझ जाइए। मुझे हर दिन एक फाइल चाहिए होती है एक लोकेशन में, जहां पे मेरा सॉफ्टवेयर डेटा डालता है। मुझे एक लोकेशन में एक फाइल चाहिए एवरी डे, जहां मेरा कोई डेटाबेस, जो भी मेरा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, वहां पे डेटा एक्सपोर्ट होता है ऑटोमेटिकली। तो क्या कैसे चाहिए? तो मुझे एक ड्राइव से, जी ड्राइव के अंदर, इस ईयर के फोल्डर के अंदर मंथ, मान लीजिए कि मेरा मंथ चल रहा है, जैसे कि मेरा मंथ चल रहा है मई, तो यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट हो फाइव, और उसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो जो कि 11 है, और फिर इसके अंदर हमारा फोल्डर फाइल क्रिएट होना चाहिए 11 के बाद। एवरीडे करना होता है। देखिए, अगर 2000, मान लीजिए कि ईयर 2020 चल रहा है, तो 2020 अगर मान लीजिए का फोल्डर नहीं है तो बना दे, है तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर मई मंथ चल रहा है, मई का फोल्डर बना है तो ठीक है, अदरवाइज उस क्रिएट करें। उसके अंदर आज के फोल्डर है तो ठीक है, अदरवाइज क्रिएट करें, और फिर उसके अंदर इस फाइल को क्रिएट करें। और एक प्रोसीजर एवरी डे, कल जो है 12 हो जाएगी, 12 का फोल्डर बनेगा, ऐसे ही मतलब मंथ डेट आगे इंक्रीज होता जाएगा, जैसे मंथ होगा फिर मंथ का फोल्डर चेंज होगा। समझ गया ना मैं क्या करना चाहता हूँ? चलिए हम इसके लिए फंक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल लूंगा, तो डिम वाई एम डी, एक साथ ऐसे तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं सेम कास्ट के, एज ए हमने बोल दिया यहाँ पे ईयर है, ईयर है तो इंटीजर कर देता हूँ, इंटीजर, राइट सर। आई इक्वल टू, हमारे पास एक ईयर का फॉर्मूला है जो कि सिस्टम डेट से ईयर को अलग करता है। अब सिस्टम डेट कौन सा है, तो ये आपको डेट जो दिख रहा है, दिस इज सिस्टम डेट। डेट अगर आपने लिख दिया तो सिस्टम डेट को शो करता है, उस सिस्टम डेट में से ईयर जो है ईयर को अलग करेगा। फिर मंथ इक्वल टू, यहाँ पे हम डालेंगे मंथ, और फिर यहाँ डालेंगे डेट, ये मंथ मंथ्स क्रिएट करेगा, और फिर डालेंगे यहाँ पे हम इक्वल टू डेट, और यहाँ पे डेट को अलग करेगा। तीन फॉर्मूले लगाए ईयर के, मंथ के और डे के। ईयर, ईयर हमें सिस्टम डेट से ईयर दे दिया, मंथ मंथ दे दिया, और डी डे दे दिया। बात आती है फोल्डर क्रिएट करने की, कि हाउ कैन क्रिएट द फोल्डर। तो फोल्डर क्रिएट करने का फॉर्मूला होता है एम के डी आई आर, मेक डायरेक्टरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एम के डी आई आर, जैसे स्पेस। अब यहाँ आपको पाथ देना होता है कि आपको फोल्डर पाथ कहाँ क्रिएट करना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पाथ लिख दिया, तो ये जी ड्राइव में 2020 को क्रिएट करें, तो जो सबसे लास्ट में होता है ना वो क्रिएट होता है उसका नाम से। जैसे मुझे इसके अंदर अगर फाइव करना है तो 2020 के अंदर जाएगा, फाइव को क्रिएट करेगा। फिर फाइव के अंदर मुझे 11 करना है, तो 2020 के अंदर फाइव के अंदर 11 नाम का फोल्डर क्रिएट करेगा, लास्ट में होना चाहिए, ठीक है सर। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा 11 या फिर 2000 या फिर 8 जो है, ये तो इस वेरिएबल पे स्टोर है ना सर,
तो मुझे इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो हमने इसमें ईयर को कंबाइन कर दिया, ओके। कंबाइन करने के क्या यूज किया, एम्परसेंड। एम्परसेंड क्या करता है, दो टेक्स्ट को आपस में मर्ज करता है, ज्वाइन करता है, कॉन्केट करता है, राइट सर। अब यहां पे मैं एम दूंगा और यहां पे स्लैश और फिर वापस एम्परसेंड और यहां पे मंथ। यहां पे स्लैश एम्परसेंड एंड डी, फिर इस पटे हो गया। स्लैश लगाना जरूरी है क्योंकि पाथ कंप्लीट करने के लिए स्लैश चाहिए ना। और यहां ऊपर जो आप देख रहे हैं ये वाई चाहे डी सिर्फ नंबर्स दे रहा है ना, पाथ तो नहीं दे रहा ना, पर पाथ के लिए स्लैश नहीं दे रहा है ना। आपस में कंबाइन करके स्लैश को पूरा। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका 2020 का फोल्डर ऑलरेडी बना है, तो एक नाम के दो फोल्डर एक फोल्डर के अंदर एक लोकेशन पे नहीं बन सकते, बन सकते, समझे? मैं आपको सर 10 मिनट पर कॉल करता हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास से फ्री होकर हो आपको। सॉरी सर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी इस लाइन में एरर आएगा और एरर सिर्फ इसी लाइन में नहीं और भी लाइनों में आ सकता है, एरर सिर्फ इसी लाइन में नहीं और भी लाइनों में आ सकता है, समझे सर? क्योंकि महीना में अभी जैसे महीना का फोल्डर जब मंथ का फोल्डर है वो तो मंथ में एक ही बार होगा ना, मंथ का फोल्डर तो मंथ में एक ही बार क्रिएट होगा, बाकी दिन तो ऑलरेडी होगा ही ना। तो यहां पे हमारे पास एक कोड होता है, वो होता है ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ये क्या करता है कि जिस लाइन में, जिस लाइन ऑफ कोड में आपको एरर होगा उसको स्किप कर दे। लाइन ऑफ कोड में आपका एरर हुआ उस लाइन ऑफ कोड को स्किप कर देता है। यहाँ पे हम फाइल को सेव करेंगे तो फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, कोड क्या है, वर्क बुक्स डॉट एड और यहाँ पे हम डायरेक्ट सेव एज कर देंगे। इस पूरे पाथ को लेंगे, इसमें एन परसेंट के साथ वापस डी और इसके मैं हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डॉट एक्सएलएस एक्स पाथ, ये एक्सटेंशन देना होगा ना, हाँ इसके बीच में छूट गया है हमारा एन परसेंट, अब हो गया सर। अब मैं रन करूंगा तो फाइल हमारा क्रिएट हो जाएगा। चलिए मैं यहीं से रन करके टेस्ट कर लेता हूँ, जो फाइल क्रिएट हुआ है ओपन हुआ है उसको क्लोज भी तो करना है,
जो फाइल ओपन होता है वही एक्टिव होता है। तो यहाँ पे हम एक्टिव वर्ग डॉट क्लोज लिख देंगे और यहाँ पे ट्रू मतलब कि सेव करते हुए क्लोज कर, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इसको रन करता हूँ, परफेक्टली रन हो गया। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 5 नाम का फोल्डर बन गया, इसके अलावा 11 बन गया और इसके 11 का फाइल बना। तो ये माइक्रो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस कोड में कोई डाउट है आपको सर? नहीं। इसका अनदर एग्जांपल हम बोलते हैं सीट से रिलेटेड, क्योंकि हमने सीट भी पढ़ा था, तो सीट से रिलेटेड एक एग्जांपल को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि मुझे डेटा डाउनलोड करना है पूरे साल का, तो जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को फाइल चाहिए जैन टू दिसंबर का फाइल चाहिए। जैन टू दिसंबर का फाइल चाहिए उसको, और उस फाइलों के अंदर उसी के महीने के हिसाब से सीट होगा। मतलब जनवरी का एक क्या करना है कि यहाँ पे आएगा और इसमें एक फाइल क्रिएट करेगा जैन के नाम से, और इस जैन के फोल्डर के अंदर में जो है 3 सीट है नजर ऐसे, इसमें 31 सीट होगा और इसमें 1 इस तरह से नेमिंग होगा, 2 इस तरह से, 3 ऐसे। फरवरी में 28 29 30 होगा और उसका नाम भी सिक्वेंस भी होगा। ऐसे ही मार्च में 31, अप्रैल में 30, इस तरह से चाहिए। तो प्रॉब्लम समझे? हेलो, हमें क्या करना है, समझ में आया आपको? हमें 365 शीट बनानी है साल के, जितने दिन होते उतने, लेकिन उन 365 शीट को मंथ के अंदर अरेंज करना है। मतलब कि जैन के फाइल में 31 शीट, फैब के फाइल में 28 शीट, मार्च के फाइल में 31 शीट, ऐसे करना है ताकि डेट वाइज डेटा हमारा उस महीने के हिसाब से उस फोल्डर में डालता चला जाए, फोल्डर फाइल में। तो यहाँ पे इस चीज को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को करने के लिए हम यहाँ पे देंगे, माइक्रो लगाते हैं, मेक सीट्स, एम के शीट के नाम से मैंने बनाया, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा बिफोर आई इक्वल टू चले 1 to 12। अब लूप क्यों लगाया? अब फोर यहाँ पे आपको नया चीज पढ़ने को मिल रहा है, फोर लूप। देखिए मुझे 12 फाइलें बनानी है, राइट? तो हमें यहाँ पे लिखना होगा वर्ड बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज, राइट? और सेव एज कहाँ करना है? तो सेव एज हमें करना है यहाँ इस फोल्डर में, और किस नाम से? तो यहाँ पे होगा हमारा जैन डॉट एक्सलेस एक्स। अब यहाँ पे जैन की बात हो, और मुझे इसी कोड को हमें 12 बार कॉपी पेस्ट करना होगा, 12 बार कॉपी पेस्ट करना होगा। यहाँ पे जैन के जगह पे यहाँ पे फैब हो जाएगा, इसके जगह पे हमारा मार्च हो जाएगा, इसके जगह पे यहाँ पे अप्रैल हो जाएगा, इसके जगह पे आपका मई हो जाएगा, इसके जगह पे जून हो जाएगा, ठीक है? देख रहे हैं सब कुछ कोड तो अलग है, सिर्फ चेंज क्या है हमारा? नहीं भी चेंज है। तो हमारे पास अगर मान लीजिए किसी कोड को मुझे एक पर्टिकुलर टाइम में रन करना है, तो यहाँ पे हम फोर लूप चलाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 12, और यहाँ पे हमने दे दिया नेक्स्ट आई। अब क्या होगा कि फोर और नेक्स्ट के बीच में नेक्स्ट
के बीच में जो लाइन होंगे, एक ही लाइन है, इस लाइन को 12 बार रन करेगा, मतलब कि 12 टाइम रन करेगा। अगर मैं एग्जांपल अगर दिखाऊं इसका, तो मैं एक सब्जेक्ट पे आता हूं, एक अलग, मैंने यहां पे दिया 4i इक्वल टू चले 1 to 5 ही कर देता हूं, 12 चला हो जाएगा 1 to 5। और नेक्स्ट टाइम अब मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे, अब यहां पे मैसेज बॉक्स देना होगा ना, MSG बॉक्स, और इसमें हमने आई कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूं तो आप यहां देखेंगे कि 12 बार रन होगा। अब आई जो है वो क्या है, काउंटर है, तो ये इसका हिसाब रखता है कि आखिर कितना बार हमारा रन हुआ। यहां 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, देखा सर। तो पहला बार में आई 1 था, दूसरा 2 था, तीसरा 3 था, इसने क्या किया, मैसेज बॉक्स के कोड को उसने 5 टाइम रन किया, और आई जो है हर बार अपना नंबर चेंज करके रखा। तो फोर लूप क्या होता है, चलता है, आई काउंट करता है कितना बार चल चुका है, नेक्स्ट जो है इस काउंट को मैच करता है कि जो आई के ऊपर जो वैल्यू स्टोर है क्या इस नंबर से कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो इस कोड को दोबारा रन करेगा, जब तक दोनों का नंबर बराबर नहीं आता तब तक नेक्स्ट बाहर नहीं आता। यहाँ पे भी सेम हुआ है कि workbooks.add.save है, तो इसने क्या करेगा, जैन नाम का एक 12 फाइलें बनाएगा, बट यहाँ पे तो आएगा है रन, क्योंकि जैन नाम का 12 फाइलें होता नहीं है। तो यहाँ पे मुझे अगर ये करना पड़े कि अलग अलग नाम से बनाना है, तो आई जो है अलग, देखा आपने 1 2 सिक्वेंसली स्टोर होता है, तो हम यहाँ आई को कंबाइन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको 12 फाइलें क्रिएट करके देगा, और जो फाइल क्रिएट हो रही है उसको क्लोज भी होना होगा ना सर, तो ये 12 फाइलें खुल जाएगी, दिक्कत हो जाएगा ना सर, जैसे हमने यहां पे क्लोज किया ना। ठीक है, तो यहां पे हम इसको सेलेक्ट करके रन करते हैं, आप देखिए 1 by 1 मैं फोल्डर में ले चलता हूँ, देखिए 1 फाइल हो गया, 2 क्रिएट हो गया, अब 3 4 5 दिख रहा है आपको, श्रीनिवास जी दिख रहा है आपको सर, यस यस, तो इस तरह से वो क्रिएट होते चला जा रहा है। तो इसने 12 फाइलें क्रिएट कर ली, लेकिन 1 2 3 के नाम से किया, मुझे इस बार जो है जनवरी फरवरी के नाम से चाहिए। तो इसके लिए चलिए कोड में हम मॉडिफिकेशन करते हैं,
इस फाइल को डिलीट करते हैं और फिर यहाँ पे हम आते हैं और हमारे पास एक क्योंकि ए वन टू थ्री है ना सर, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखाते हैं, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है मंथ नेम का, मंथ नेम का फॉर्मूला वन टू थ्री को जनवरी फरवरी में कन्वर्ट करता है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो आप देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया तो जनवरी फरवरी मार्च एक कंप्लीट दे रहा है, बट आपको शॉर्ट में चाहिए कि APR JN इस तरह से शॉर्ट में चाहिए, तो जहां हमने ट्रू लगाया था उसको फॉल्स करना पड़ेगा, जहां हमने यहाँ पे ट्रू लगाया था सॉरी फॉल्स लगाया था वो यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा शॉर्ट में। ओके तो हम 12 फाइलें बनाना सीख गए, ठीक है श्रीनिवास जी, समझ में आया श्रीनिवास जी, कोई डाउट इस पे? अब मुझे इसमें सीट एड्स ऐड करने, तो सीट ऐड करने के लिए कुछ सिंपल सा कोड सीट्स डॉट ऐड, और ऐड करना है तो कितना ऐड करना है, तो यहाँ पे आपका काउंट है हमें 31 ऐड करने। अब यहाँ पे दिक्कत है सर, क्योंकि हर महीने में 31 तो ऐड नहीं करना है ना, और बात है कि अगर इसको एक एक दिक्कत हो जाएगी, एक एक करेंगे 31 28 ये भी पता नहीं है हमें, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला एक वेरिएबल लेते हैं डेट का कि dim dt as a date, राइट। तो मेरे पास मंथ है ईयर है डे ही नहीं है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसके ऊपर ले जाता हूँ कि dt इक्वल टू हमने बोला यहाँ पे कि 1- इसमें हमने कंबाइन कर दिया मंथ नेम आई कॉमा ट्रू डैश 2020 डेट बन गई ना सर, तो हर महीने की पहली डेट आ जाएगी, फिर यहां पे डी की हमने यहां पे डे का यहां पे उसके, लेकिन हर महीने की पहली डेट नहीं चाहिए हमें, हमें हर महीने की लास्ट डेट चाहिए, तो डी टी इक्वल टू इसी को ओवर राइट करता हूँ मैं, डी टी इक्वल टू हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूला होता है ईओ मंथ क्या करता है कि इसके अंदर अगर आप डेट देते हैं डी टी कॉमा जीरो तो इस महीने की लास्ट डेट देता है, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं वर्क कर रहा है, कैसे पता चला वर्क नहीं कर रहा है, जिसमें ये लगाता हूँ कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ सॉरी इस ब्रैकेट ओपन करता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नहीं आया एक्सप्रेशन नहीं आया, तो जो फॉर्मूले का एक्सप्रेशन नहीं आएगा उसके लिए यहाँ लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट, ध्यान रखिएगा सर यह एक हर फॉर्मूले में यूज करना पड़ेगा वर्कशीट फंक्शन, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, ठीक है सर, और यहाँ पे हमने डेट दे दिया और यहाँ पे हमारा जीरो मंथ सेम मंथ का चाहिए, तो हमें हर महीने की लास्ट डेट निकल गई जैसे 31 जनवरी, और जैसे कि हमने बताया कि हम किसी भी डेट से डे को अलग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे dim हमने यहाँ पे डी एज ए डे का वेरिएबल लिया, डे नहीं चाहिए बाइट का क्योंकि 31 तक ही रहेगा ना, और यहाँ पे हमने बोला कि डी इक्वल टू डे, डे फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट करता है, ब्रैकेट ओपन करते ही डे आ गया, इसमें हमने डी टी कर दिया, तो हमें कितने शीट इंसर्ट करने हैं जितने डी पे वैल्यू स्टोर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको श्रीनिवास जी? यस। अरे श्रीनिवास जी आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया है सर,
अरे रिकॉर्डिंग नहीं करा। कोई बात नहीं, आई थिंक इट्स ओके दिस वन। आप भूल जाते हैं सर। ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉब्लम एक है कि जब सीट ऐड होती है तो कभी एक या तीन सीट तो पहले से होते ही है। अब किसी के एप्लीकेशन में सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में एक होता है, किसी में तीन होता है, कुछ लोग पांच भी कर लेते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है इस सेटिंग में। तो मैंने बोला कि डी माइनस शीट्स डॉट काउंट, तो हमने बोला कि उतने शीट ऐड करो जितना डे है, लेकिन उसमें से जितना शीट ऑलरेडी है उतना माइनस कर दो। तो यहां तक आपका माइक्रो नंबर ऑफ शीट्स इंसर्ट कर चुका है मंथ के अकॉर्डिंग। अब बात आती है नंबर्स की, तो सीट को रिनेम करने का कोड है यहां पे सीट नंबर वन डॉट नेम इक्वल टू वन, यहां पे शीट्स नंबर टू डॉट नेम इक्वल टू टू। तो यहाँ भी आपको ऐसे ही सारा शीट करना है। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ गई कि हर महीने की अलग अलग शीट है, कितने शीट पर इस तरह से नाम देते रहेंगे। और आपने देख रहे हैं कि सारा कोड सेम है बट कुछ सीक्वेंस नंबर के साथ हमें रिपीट करना है, और इसी चीज़ के लिए हमने फोर का इस्तेमाल किया था। तो हम सीट ऐड करने के लिए भी फोर का यूज करेंगे। जी हाँ, फोर का यूज करेंगे। तो एक लाइन हटा देता हूं और यहां पर लगाता हूं कि 4j इक्वल टू 1 2 चले कितना d, मतलब जितने नंबर ऑफ शीट्स हैं, और नेक्स्ट j। अब यहां पे हमने j को लिया, i को लिया क्योंकि हम i यहां ले चुके हैं। तो ये से एक वेरिएबल दो जगह दो लूप में यूज नहीं कीजिएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पे हमने j को ओके okay. और यहां भी हमने j को दिया, उसी नाम से सीट ऐड होगा। अब मेरा मैक्रो पूरी तरह से बन के तैयार है। कोड को पहले समझ लीजिए, हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, एक डेट का एक बाइट का, क्योंकि मंथ नंबर डे नंबर ऐड करना है तो डेट 31 तक ही होता है, तो हम बाइट ही ले लिए। जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे लास्ट नाइट में समझाया था। अब यहाँ पे हमने बोला कि 4 1 2 12 12 सीट फाइल ऐड करनी है, तो हमने 12 लूप लगा 12 लूप चलाया, क्योंकि हमें नहीं चलाते तो हर फाइल के लिए हमें अलग अलग कोडिंग करनी पड़ती। तो मुझे ये जितना कोडिंग इतना दिख रहा है आपको, इसी एक इतना 12 बार लिखना पड़ता है। सो हमने लूप में डाल दिया। अब जब लूप में डालने के बाद आई जो है ये हर समय इंक्रीज होता है 1 2 3 4 ऐसे, ताकि काउंटर है, काउंट लगता है कि लूप कितना बार चल चुका है। लेकिन है एक वेरिएबल, जैसे कि आपका डी है ऐसे ही आपका आई एक वेरिएबल है, उसको हम कहीं यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि डी, पहले हमने बोला कि डी टी डेट पे हमने बोला मंथ नेम के साथ हमने एक डेट तैयार कर लिया। फिर उस डेट पे हमने ईओ मंथ का फॉर्मूला लगा के इस महीने की लास्ट डेट निकाल ली, और फिर डे का फॉर्मूला लगा के उस महीने की लास्ट डेज निकाल लिया, मतलब कि 31st। फिर हमने सीट को यहाँ पे वर्कबुक को ऐड किया, सेव किया, और फाइल नेम हमने मंथ नेम के अकॉर्डिंग मंथ लगा दिया, आई को मंथ नेम में जैन में कन्वर्ट कर देगा। फिर उस फाइल के अंदर जितना शीट ऑलरेडी था उतना डी में से उतना को माइनस करके हमने उतनी शीट्स यहाँ पे ऐड कर ली। फिर हमने फिर एक बार और लूप लगाया कि एक से चले डी, मतलब जितना नंबर ऑफ शीट है उतना तक, और सबका नंबर नाम जो है सीक्वेंस नंबर से 1 2 3 4 5 कर दे, और जब सब कुछ हो जाए तो फाइल को यहाँ क्लोज कर दे। यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया इसने। अब इस माइक्रो को रन करते हैं देखने के लिए कि क्या वर्क करता है। फोल्डर देखिए जैन फाइल क्रिएट हो रहा है। तो इसमें आपने आज लूप को समझ लिया, नया टॉपिक आपने yes. सीख लिया। चलिए ये आपका तैयार है, तो इस पे प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, समझे? ओके
और कल की क्लास में हम आपको रेंज के ऊपर, अभी हमने फाइल और फाइल एंड सीड्स के ऊपर सब कुछ प्रोजेक्ट बताया है, कल हम रेंज के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे और साथ में सीखेंगे इफ कंडीशन, राइट सर? ओके, चलिए, तो एक कोड की जरूरत है आपको समझने के लिए, हाँ, कोड भेज दूँ आपको मैं, हाँ, चलिए मैं कोड में आपको भेज देता हूँ, ओके, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके, बाय।